जल्द ही मैं तुम्हें एहसास दिलाऊंगा कि हार क्या होती है, लाचार होना क्या होता है, अच्छाई कैसे दम तोड़ती है। चाहे जो भी कर लो, बच नहीं पाओगे, तुम्हारी मौत आ चुकी है। वीडियो शुरू करने से पहले एक शॉर्ट एंड स्वीट डिस्क्लेमर। ये डिस्क्लेमर उन चंद सेंसिटिव लोगों के लिए जिन्हें ये वीडियो देखते वक्त ये लग सकता है इस वीडियो में विलन्स की नेगेटिव फिलॉसफी को जस्टिफाई या सपोर्ट किया जा रहा है। तो सुपर हीरो इज एवरीथिंग फिलॉसफी रखने वाले भक्तों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप मस्त एक ग्लास दूध में चार चम्मच अपना फेवरेट बोनवीटा मिक्स करो, उसको पियो और सो जाओ। 21st सेंचुरी की मूवीज में सिर्फ सुपर हीरोज ही नहीं जीतेंगे लेकिन सुपर विलन्स की भी जीत होगी। सुपर हीरोज से सीधा हमें सुपर विलन्स क्यों पसंद आने लग गए, इसका आंसर थोड़ा सा कड़वा लग सकता है लेकिन सच्चाई यही है कि हम कहीं ना कहीं सुपर विलन्स की सोच से अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं। तो अभी का रिव्यू हम करेंगे टॉप 10 सुपर विलन कैरेक्टर्स जिनकी एक्टिंग, फिलॉसफी और पागलपन देख के हम बहुत इंप्रेस हुए। नंबर 10 पे सुपर विलन है T-1000 फ्रॉम टर्मिनेटर जजमेंट डे, जिसका रोल प्ले किया है रॉबर्ट पैट्रिक ने। T-1000 इस पूरी लिस्ट में इकलौता ऐसा विलन है जो सिर्फ अपने एक्सप्रेशन के दम पे बिना किसी डायलॉग के इस्तेमाल किए अपना खौफ पैदा करता है। लिक्विड मेटल से बने हुए इस सुपर विलन की सुपर पावर है किसी के भी स्किन को टच करके अपने आप को उसका डुप्लीकेट बना देना। और दूसरी पावर आप खुद ही देख लीजिए। नंबर 9 पे सुपर विलन है बेन फ्रॉम डार्क नाइट राइजेस, जिसका रोल प्ले किया है टॉम हार्डी ने। बेन का जन्म और परवरिश एक डार्क कैद खाने में हुई थी। इस कैद खाने में बेन को कई साल टॉर्चर सहना पड़ा और इसी टॉर्चर के दर्द को कम करने के लिए बेन को कंटिन्यूअस अपने मुंह पे मास्क लगाना पड़ता है वेनम गैस का, जो उसके दर्द को कम करता है। इस सुपर विलन में कोई सुपर पावर्स नहीं है और ना ही बैटमैन की तरह कोई गैजेट्स है, लेकिन फिर भी हैंड टू हैंड बैटल में बैटमैन को हराने वाला इकलौता सुपर विलन है। नंबर 8 पे सुपर विलन है मैग्नीटो फ्रॉम एक्समैन, जिसका रोल प्ले किया है इयन मैकेलन ने। इस विलन की सुपर पावर है मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट या कंट्रोल करना, और मकसद है बिना सुपर पावर के ह्यूमंस के ऊपर राज करना। जैसे जैसे एक्समैन की मूवीज आते रही वैसे मैग्नीटो को हमने सुपर विलन से सुपर हीरो बनते हुए देखा। जो यंग वाला मैग्नीटो है वो माइकल फासबेंडर ने रोल प्ले किया है। नंबर 7 पे सुपर विलन है एजेंट स्मिथ फ्रॉम मैट्रिक्स सीरीज, और ये आउटस्टैंडिंग विलन का रोल प्ले किया है ह्यूगो वीविंग ने। ह्यूगो वीविंग ने एजेंट स्मिथ के रोल को बहुत बखूबी निभाया। बचपन में जब हमने मैट्रिक्स मूवी देखी थी तो हमें दो चीजें याद रह गई थी, एक तो एजेंट स्मिथ का कमीनापन और दूसरे उसके एक्शन सीन्स। इस विलन की सुपर पावर वायरस की तरह है, सर्वाइवल के लिए एक होस्ट से दूसरे होस्ट में चेंज होते रहना। और इतना ही नहीं, आगे की सुपर पावर्स आप खुद ही देख लीजिए। नंबर 6 पे हैरी पॉटर सीरीज का सुपर विलन है जिसका नाम भी कोई नहीं लेता, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, और इसका रोल प्ले किया है राल्फ फिनिस ने। हम में से जितनों ने हैरी पॉटर को देखकर अपना बचपन गुजारा है उसे समझ में आएगा कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट क्यों सुपर विलन है। हम में से कई हैरी पॉटर फैंस को ये क्वेश्चन होगा कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के नाक को क्या हो गया। वेल, उसका आंसर है लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट इतने डीप में जाके डार्क मैजिक करता था कि वो धीरे धीरे स्नेक में कन्वर्ट हो रहा था, और लास्ट में तो इसे मरना जरूर था क्योंकि इसकी भी फिलॉसफी टेररिस्ट की तरह थी, वन ब्लड डोमिनेंस। नंबर 5 पे सुपर विलन कैरेक्टर है एंटन चिगुर फ्रॉम नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, और ये खतरनाक रोल प्ले किया हैवियर बर्डम ने। इस मूवी को सिर्फ आप हैवियर बर्डम की परफॉर्मेंस के लिए देखिएगा, मैं पर्सनली रेकमेंड करना चाहूंगा आपको ये। एक साइकोपैथ किलर जो अपने पास बोल्ट स्टनर रखता है लोगों को मारने के लिए और दरवाजे का लॉक तोड़ने के लिए। इस मूवी के अंदर एंटन के चेहरे पे आपको 1% भी दया नहीं दिखेगी। What is that for? Would you hold still, please? नंबर 4 पे सुपर विलन है हैनिबल लेक्टर फ्रॉम साइलेंस ऑफ द लैम्स, जिसका रोल प्ले किया है एंटनी हॉपकिंस ने। इस सुपर विलन की सुपर पावर है इसकी इंटेलिजेंस, आपसे सिर्फ 2 मिनट बात करके आपके दिमाग में घुस जाएगा। इसके चेहरे पे 0% गिल्ट और 100% कमीनापन दिखेगा। पूरी मूवी भी नहीं, आपको सिर्फ कुछ सेकंड का ये सीन दिखा देता हूं, आपको आइडिया आ जाएगा कि कितना बड़ा मॉन्स्टर है। नंबर 3 पे सुपर डुपर विलन है, नाम है लोकी फ्रॉम एवेंजर्स, और ये रोल प्ले किया है टॉम हिडलस्टन ने। जितने भी लास्ट बेंचर्स है ना वो सब रिलेट कर पाएंगे अपने आप को लोकी से, और इसका आंसर बहुत सिंपल है, ये भी चालाक है, मस्तीखोर है और बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते इस पे। नंबर 2 पे इस लिस्ट का सबसे पावरफुल विलन थैनोस फ्रॉम मार्वल यूनिवर्स, जिसका रोल प्ले किया है जॉश ब्रॉलिन ने। इस लिस्ट में अगर कोई सच्चा सुपर विलन होना तो वो ये है।
थैनोस की सोच बहुत सही थी लेकिन तरीका गलत था। छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन क्यों मैं थैनोस के पावर्स के बारे में डिस्कस भी करूं? इसके पास ब्रह्मांड की सारी सुपर पावर्स है और सारी सुपर पावर्स होने के बाद भी बंदा दिल का बहुत साफ था। और मुझे कमेंट में जरूर बताना ना, आपने भी यही एक्सपीरियंस एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में किया था कि नहीं। कभी कभी तो लगता है क्यों थैनोस को मारा, लेकिन फिर लगता है कि जिसने थैनोस को मारा वो भी तो मर गया बेचारा। नंबर वन सुपर विलन के लिए टाई हो चुका है दो लोगों के बीच में, जिन्होंने एक ही कैरेक्टर को प्ले किया है, जोकर। पहला जोकर है द डार्क नाइट से हीथ लेजर और दूसरा है जोकिन राफेल फीनिक्स फ्रॉम जोकर 2019। एक कैरेक्टर को ऑस्कर मिल चुका है और दूसरे कैरेक्टर को ऑस्कर मिलने वाला है। एक कैरेक्टर ने जोकर के रोल को ऐसा प्ले किया कि बैटमैन होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो दूसरे ने जोकर को ऐसा प्ले किया कि हमें और कुछ भी नहीं दिख रहा था। एक मूवी के जोकर को देख के आपके मन में अगर क्वेश्चंस उठेंगे कि ऐसा क्यों कर रहा है, तो दूसरे मूवी का जोकर आपको आंसर्स देगा। इन सभी सुपर विलन्स की फिलॉसफी से बस एक ही कंक्लूजन निकलता है, हीरो या विलन हमारे सोसाइटी में नहीं लेकिन हमारे अंदर ही है। हमारे डिसीजंस और हमारे चॉइस डिसाइड करेंगे कि हम विलन बनेंगे या हीरो। अच्छा मैं बुरा तू, इन सब विचारों पे संत कबीर ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, खोजा मन अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। आपकी स्क्रीन के ऊपर टॉप 10 सुपर विलन्स की लिस्ट और उनके एक्टर्स के नाम है। इतने सारे विलन्स को पार करके आप यहां तक पहुंच गए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हमारा मिलना जुलना टॉप 10 लिस्ट के लिए बढ़ते रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मैं मिलूंगा आपसे अगले टॉप 10 वीडियोस में। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।